दतिया के उन्नाव में दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वहीं एक युवती के साथ गैंगरेप व पीड़ित युवती ने किया सुसाइड का प्रयास। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने घेरा उन्नाव थाना, जिसके बाद भारी पुलिस मौजूद रही। वहीं दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं दो फरार हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लिया घटना पर संज्ञान। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुशवाहा, आप देख रहे हैं यूडी न्यूज। दतिया के उन्नाव कस्बे में स्कूल से लौट रही दो छात्राओं के साथ रास्ता रोककर छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवती के साथ आरोपियों ने एक कमरे में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी लड़की के साथ अश्लील छेड़छाड़ करते हुए भाग निकले। वहीं बता दें कि दतिया के उन्नाव कस्बे में दो छात्राएं स्कूल से अपने घर लौट रही थी कि तभी दोपहर में रामकिशोर यादव के घर के पास पहुंची तो नामजद उक्त बदमाश ध्रुव राय, अमन यादव, आदित्य यादव एवं विक्की साहू ने रास्ता रोक लिया और दोनों छात्र युवतियों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। छेड़छाड़ के दौरान एक छात्रा युवती के साथ युवकों ने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया तथा घटना को अंजाम देकर आरोपी मौका ए वारदात से भाग निकले। घटना से दुखी दोनों युवती अपने घर पहुंची और जिसके साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई उसने अपने घर में इस घटना से दुखी के कारण अपनी जान देने का प्रयास किया, जिसके पश्चात इस घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो परिजनों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गए एवं रात में उन्नाव थाने का घेराव किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ कड़ी कार्यवाही की मांग की, जिसके पश्चात पुलिस प्रशासन हरकत में आया और ग्रामीणों की अधिक संख्या एवं भीड़ होने के कारण आसपास का पुलिस बल भी उन्नाव थाने बुलाया गया, जिस पर भांडर SDOP कनक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ उन्नाव थाना पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। SDOP कनक श्रीवास्तव ने बताया कि घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पार्टियां रवाना की गई हैं। वहीं जिस युवती के साथ छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म की घटना की गई है उसने सुसाइड करने का प्रयास किया है, जिसके चलते उसका इलाज झांसी के अस्पताल में चल रहा है। युवती की हालत ठीक है, वहीं खतरे से बाहर है। फिलहाल इस घटना पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने महिला SI एवं भांडर SDOP को जांच करने के एवं साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि छात्र युवतियों के साथ घटना घटित करने वाले युवक भी छात्र हैं। देखिए, दो छात्राओं द्वारा एक घटना की रिपोर्ट की गई थी जिसमें उनके साथ दुष्कर्म व छेड़खानी की रिपोर्ट अपने परिजनों के साथ आकर थाने पर की गई थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी और एक महिला उपनिरीक्षक द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में IPC की अपराध दर्ज कर लिया गया है। दो आरोपियों को हमारे द्वारा हिरासत में भी ले गया है, बट अन्य दो आरोपी जो हैं उनके गिरफ्तारी हेतु एक टीम रवाना कर दी गई है। सर, जिसमें अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है इसमें एक नाबालिग भी है, सर क्या कहना रहेगा? कौन नाबालिग है? आरोपी। देखिए, जो बच्ची भी एक नाबालिग है और एक आरोपी के भी नाबालिग होने की सूचना है, परंतु FIR तो दर्ज कर ली गई है और उसी के हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार? जी, दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। सर, बच्ची की कोई जानकारी? वो एक बच्ची है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो अभी उसको झांसी मेडिकल उपचार हेतु रवाना किया गया है और अभी जो हमारी टीम को एक उसके साथ भी भेजा गया है बच्ची के साथ, तो वो वहाँ से जो सूचना मिल रही है अभी वर्तमान में लड़की की हालत जो है वो स्टेबल है, कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है। उन्नाव थाना क्षेत्र में दो छात्राओं के साथ एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, जिसमें चार लड़कों के विरुद्ध विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और दो जो छात्र हैं उनको हिरासत में लेकर उनसे अभी पूछताछ जारी है। दो अन्य छात्रों के लिए हमारे द्वारा टीम लगाई गई है। एक बच्ची जिसने आत्महत्या का प्रयास किया था उसको झांसी रेफर किया गया था, वहाँ झांसी अस्पताल प्रबंधन से संपर्क कर उसकी स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। SDOP और महिला उपनिरीक्षक थाना प्रभारी के साथ उन्हें निर्देशित किया गया कि यहीं मौके पर रहकर जो भी साक्ष्य उनको एकत्रित करेंगे